हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पीटर पैन कॉलर के बारे में। तो जो हमारा पीटर पैन कॉलर होता है, ये सीरीज़ होता है जिसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ फुल रोल। या तो हमारा कंप्लीट रोल में आता है, पार्शियल रोल आता है, फ्लैट रोल कॉलर आता है, एंड इसको हम अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल्स टू ऑल कॉलर डिज़ाइन, ताकि वो अपने एज इट इज़ जब हम अपने अनबटन करते हैं। अगर आपने देखा होगा, नॉर्मल आपका कॉलर को आप अनबटन करते हैं तो वो स्टैंड हो जाता है, खड़ा हो जाता है, लेकिन इसके लिए अगर हम इसको अनबटन भी करते हैं तो ये स्टे इन द प्लेस रहे। इसके लिए हम पीटर पैन कॉलर को आज बनाना सीखेंगे। यहाँ पर ये हमने रिलेशनशिप दे रखा है कॉलर स्टैंड का, उसकी विड्थ और उसकी नेकलाइन के अक्रॉस। मींस ए आपका फुली रोल्ड है, बी आपका पार्शियल रोल्ड है, एफ एंड सी आपका फ्लैट रोल्ड है। सो यही हम पीटर पैन की अलग अलग वेरिएशंस की यहाँ पर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उसका क्या बताएंगे, बेसिक आपको पीटर पैन कैसे बनाना है, उस वो वाली शेप हम आज बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे तीन बेसिक पीटर पैन कॉलर्स हैं, दैट इज़ फिगर वन, फिगर टू एंड फिगर थ्री के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर 1 इंच स्टैंड दे रखा है फुल रोल, 1/2 स्टैंड दे रखा है पार्शियल रोल, एंड 1/8 स्टैंड दे रखा है फ्लैट रोल। सो ये हमारी फर्स्ट फिगर आएगी। इस फिगर को बनाने का मेथड हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट है। तो हमने अभी भी यहाँ पर क्या करना है, अपना बैक और अपने फ्रंट को यहाँ पर ले लेना है। मैंने इस बैक और फ्रंट को यहाँ पर ट्रेस कर लिया है। देखिए, जस्ट आपके बैक को और आपके फ्रंट को, सो सेम एज आपने भी क्या करना है, अपना स्लोपर ट्रेस कर लेना है। क्या करना है, अपना स्लोपर को ट्रेस कर लेना है। मीन्स मैंने इस कटिंग को कट करके एक अलग से कटिंग बना लेनी है। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं कट कर दूँगी, इन दोनों को अलग कर दूँगी। सो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने अपने दोनों स्लोपर्स को अलग कर लिया है, उनको कट कर लिया है, और वो प्रॉपर एक शेप हमारी जो बॉडीज़ की है, जो फ्रंट की और बैक की हमने हाफ फ्रंट हाफ बैक बनाया है, वो यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं। तो हेयर इट इज़, ये हमारा इस तरह से था। ये देखिए आप, ये चीज़ थी हमारी और उसको हमने कट करके ये टू पीसेस को क्रिएट कर लिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू आर फर्स्ट फिगर, क्या कहती है कि ट्रेस द बैक पैटर्न, प्लेस द फ्रंट ऑन ट्रेस्ड कॉपी, कि आपने बैक पैटर्न को ट्रेस करना है, जो कि हम कर चुके हैं, और उसके बाद आपने फ्रंट पैटर्न को ट्रेस्ड कॉपी ऑफ बैक के ऊपर रखना है, टचिंग द नेक लाइन। नेक लाइन को टच करते हुए का क्या मतलब है कि हमें अब इसकी फ्रंट की नेक लाइन कौन सी है, ये वाली है, और बैक की नेक लाइन कौन सी है, तो जब हमें इनको टच करना है नेक लाइंस को, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये आपके दोनों हैं, इनको मैंने नेक लाइन को टच करना है, तो मैं बैक को एज इट इज़ यहाँ पर रख दूँगी और अपने फ्रंट को उठा के फ्रंट की नेक लाइन को बैक की नेक लाइन के ऊपर रख दूँगी, ये देखिए क्लियरली विजिबल है, ये मेरी बैक की नेक लाइन है, इट्स बैक नेक लाइन एंड इट्स फ्रंट नेक लाइन। मैंने क्या किया, इसको इसके अभी टिप को टिप से मिलाया, जस्ट टिप को टिप से मिलाया, तो ये ऑटोमेटिकली देखिए आप ओवरलैप हो गया है। मैंने जैसे ही इसको टिप को टिप से मिलाया तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, ओवरलैप है, ये देखिए, क्लियर। सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या दे रखा है कि हमें ट्रेस करनी है बैक पैटर्न को, और हमें उसमें अपने फ्रंट पैटर्न की कॉपी को रखना है और टच करनी है नेक लाइन, और ओवरलैप कितना करना है शोल्डर टिप से, 4 इंच। तो दैट मींस मेरे को जो ये ओवरलैपिंग करनी है वो अपने एडल्ट बॉडीज ब्लॉक में कितनी है, करनी है 4 इंच। अगर आप 1/2 पे बना रहे हैं तो आप 2 इंच करेंगे, और आप अगर 1/4 पे बना रहे हैं तो आप उसको 1 इंच करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जितने पे भी आपकी बन रही है आपको उसी हिसाब से इसको करना पड़ेगा। सो इसको थोड़ा सा प्रॉपर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने बैक और फ्रंट को जब हम एक साथ लेके जा रहे हैं तो हम ट्रेस कर लेंगे। मींस
ये हमारा, वैसे तो ये कॉपी हमारी ऐसे होनी है, लेकिन अब हमको ट्रेस भी करना है अपने बैग को। तो यहाँ पर आपको नहीं विजिबल हो पा रहा होगा वीडियो के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक हमारी लाइन क्रिएट हो रही है, जो नीचे वाला हमारा बैग है वो विजिबल हो रहा है हमारे फ्रंट से। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। लेकिन डॉटेड लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे वो भी आप किस तरह से करेंगे कि आपका जो ये वाला टिप है, देखिए जो आपका बैक का टिप है और जहाँ पर आपके फ्रंट का शोल्डर रखेंगे, उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए। यहाँ पर हमारे इसमें दे रखा है कि उन दोनों के बीच का 4 इंचेज़ होना चाहिए। तो मैं बना रही हूँ हाफ पे, मैं बना रही हूँ 1/2 का स्केल। तो 4 इंचेज़ का मेरा क्या हो जाएगा, 2 इंचेज़ का गैप हो जाएगा। तो मुझे कितना देना है यहाँ से, 2 इंचेज़। तो दैट मीन्स मैं अपने स्केल से एक बार मेज़र कर लेती हूँ। सो यहाँ तक कहीं आता है मेरा 2 इंचेज़। तो मुझे क्या करना है, ये मेरा बैक है और ये मैंने उसके ऊपर अपना फ्रंट रखा जिसमें मैंने नेक लाइन को जोड़ दिया। लेकिन मेरे को कहाँ तक करना है, जहाँ तक मेरा जो टिप है, मीन्स मेरी जो टिप है, ये देखिए ये मेरी टिप है। तो मेरी टिप अप्रॉक्सीमेट 2 इंचेज़ तक नहीं आ जाती, 2 इंचेज़ तक नहीं आ जाती। तो दैट मीन्स मैं फ्रंट और बैक के बीच में कितना लूँगी, 2 इंच का डिफरेंस ले लूँगी। यहाँ से अगर मैं मेज़र करती हूँ, तो मेरा देखिए बैक यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। मैं आपको डॉटेड लाइन से बता देती हूँ, ये मेरा डॉटेड लाइन बन गया। नाउ आपको इजीली पता चल रहा होगा कि मेरा बैक किस तरह से मैंने प्लेस किया है। मैंने डॉटेड बैक बना दिया, डॉटेड लाइन बना दी है, देखिए डॉटेड लाइन बना दी है अपने फ्रंट को बैक के ऊपर ओवरलैप करके। और जो ये डिस्टेंस लिया है ये मैंने 2 इंच का लिया है, क्लियर 2 इंच का लिया है। तो मैंने इसको ये क्या कर दिया, ये देखिए हम यहाँ पर ऐसे करके बनाएंगे। दैट इज़ आर 4 इंच हम इसलिए लिखेंगे बिकॉज ये मैं 1/2 पे बना रही हूँ एंड मैंने इसको क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया। और जो ये मेरा कॉर्नर है ये क्या कर रहा है, ये मेरा टच कर रहा है। तो आप देखेंगे जो आपकी फर्स्ट फिगर है, जो आपकी फर्स्ट फिगर गिवन है ऑलरेडी, उसके अंदर उन्होंने क्या कह रखा है कि जो पॉइंट है उसको हमने क्या कर लेना है, उसको हमने मिलाना है और ओवरलैप करना है 4 इंचेज़ का इन एडल्ट्स। सो यहाँ पर मैं 1/2 ले रही हूँ तो मैंने 2 इंच किया। आप अगर 1/4 स्केल पे बनाएंगे तो आप 1 इंच का ओवरलैप लेंगे, क्लियर। नाउ टू मेक इट इजी मैं इसको ग्लू से पेस्ट कर लूँगी, मीन्स जो मेरा ये ओवरलैप्ड एरिया है मैं उसको ग्लू से पेस्ट कर लूँगी। तो आप भी इसको इसी तरह से कर लीजिए, बिकॉज जब हम इसकी यहाँ से देखिए हम यहाँ पर इसका कॉलर बनाएंगे तो ये अलग पीसेस हो जाएंगे तो काम नहीं हमारा चल पाएगा, इसलिए हम इसको पहले पेस्ट कर लेंगे। सो लाइक दिस, ये देखिए अभी हमारा सिंगल पीस हो गया है बिकॉज मैंने इसको यहाँ से पेस्ट कर लिया है, क्लियर। सो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम इसको क्या कर लेंगे, दोनों पीसेस को हम इन दोनों पीसेस को जोड़ लेंगे। तो मैंने जो ये अलग अलग पीसेस थे उनको ओवरलैप करते हुए यहाँ से अच्छे से जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद मैंने इसको क्या करना है, अपनी सेकंड फिगर को देखना है। अब ये मेरी फर्स्ट फिगर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो सेकंड फिगर है उसको देखना है। उसमें दे रखा है इन्होंने कि जो मेरा सेंटर बैक था, सो मेरा सेंटर बैक क्या है, ये मेरा सेंटर बैक है एंड दिस वन इज़ माई सेंटर फ्रंट। सो मेरा जो सेंटर बैक है उसको मेरे को, उसकी जो बैक नेकलाइन है उसको मुझे एक्सटेंड करना है 1/8 इंच। 1/8 इंच एक्सटेंड करने के लिए मैं एक और पीस ऑफ पेपर लूँगी, उस पे अपने दोनों पैटर्न्स को रखूँगी। हमें क्या बेसिकली बनाना है, हमें बेसिकली अपना कॉलर बनाना है। तो इसके लिए मेरे को ज़्यादा फैब्रिक को, जो हमारा ब्राउन पेपर होगा उसको ज़्यादा को इस्तेमाल करने की नीड नहीं होगी, हम साइड से कहीं से भी उसको प्लेस कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर इसको प्लेस कर लिया, देखिए क्लियर। तो मैं यहाँ पर भी इसको क्या करूँगी, सबसे पहले इसको ट्रेस कर लूँगी।
इस एरिया को वैसे मेरे को ट्रेस करने की नीड नहीं है, बिकॉज मुझे क्या चाहिए, इसकी जस्ट कॉलर लाइन चाहिए, कॉलर के लिए नेक लाइन चाहिए। सो मैंने इस एरिया को ट्रेस कर लिया है, देखिए इसको मैं एक बार स्मूथ ब्लेंड कर दूंगी, वॉट एवर द शेप इज, क्योंकि ये जो आपकी शेप है ये कौन सी शेप है, ये वो शेप है जो आपने अपने कॉलर की, आपके कॉलर की ऑटोमेटिकली आई है, तो इसमें आपको कोई नहीं होना चाहिए कि इस तरह से क्यों आई है, बिकॉज इसको हम ब्लेंड करके कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा सेंटर बैक हिस्सा है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर फ्रंट हिस्सा है। सो ये देखिए इस तरह से, ये हमारा इस तरह से है, इस तरह से, क्लियर। आप लोग भी इसको ऐसे रखिए और इसको ट्रेस कर लीजिए। ट्रेस करने के बाद मुझे सेंटर बैक से नेक को 1/8 inch एक्सटेंड करना है, मींस बाहर की तरफ लेके आना है, कितना 1/8। सो मेरे को 1/8 inch क्या करना है, बाहर की तरफ, आपको 1 inch का आठवां हिस्सा बाहर की तरफ लेके आना है। सो यहाँ पर मेरा स्केल है, इसके अंदर मेरा ये 1 inch है, ये 1.5 inch है, और ये मेरा 0.25 है, तो 1/8 मतलब मेरे को इतना एरिया बाहर की तरफ एक्सटेंड करना है। सो मैं अपना प्लेस करूँगी और मैं एक मार्क लगा लूँगी, मींस मेरा मार्क कैसे लगेगा, 1/8 inch आउटसाइड की तरफ, क्लियर। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, ड्रॉ द नेक लाइन थ्रू द पॉइंट एंडिंग 1/4 बिलो सेंटर फ्रंट। सेंटर बैक से मेरे को बाहर की तरफ एक्सटेंड करना है, लेकिन सेंटर फ्रंट से मुझे बिलो की तरफ, नीचे की तरफ क्या करना है, उसको 1/4 inch ट्रिम करना है। सो मींस यहाँ से मेरे को 1/8 किया था, यहाँ से मेरे को नीचे की तरफ कितना जाना है, 1/4 inch। सो यहाँ पर मैं रख के अपना जो मेरा बिल्कुल टिप होगी वहाँ से मैं 1/4 inch बिलो की तरफ भी एक मार्क लगा दूंगी। आप लोगों को थोड़ा क्लियर विजिबल हो इसके लिए मैं पेन से मार्क लगाती हूँ। मैंने यहाँ क्या किया, देखिए ये हमारी पर्टिकुलर नेक लाइन थी, हम यहाँ पर इतना 1/8 inch गए और नीचे की तरफ आए हैं हम 1/4 inch, तो वो मेरा ये मार्क है और नेक लाइन मेरी यहाँ पर है, क्लियर। इसके बाद ड्रॉ स्टाइल लाइन कॉलर पैरेलल विद द नेक लाइन। मेरी नेक लाइन कौन सी है, ये है। अभी मैं एक बार इसको क्या कर दूंगी, इसको स्मूदली ब्लेंड कर दूंगी। सो इसको स्मूदली ब्लेंड करने के लिए मैं क्या करूंगी, एक डॉटेड लाइन क्रिएट करूंगी। मुझे देखिए ये जो मेरी नेक लाइन है इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन इसको रीशेप देना है। तो एक स्मूथ कर्व, लेकिन यहाँ पर मेरे को क्या देना है, एक्सटेंडेड। मैंने यहाँ से एक्सटेंडेड दिया और यहाँ मैंने अंदर की तरफ स्मूथ कर्व एक बना दिया। आपको डॉटेड लाइन विजिबल हो रही है, बिल्कुल प्रॉपर एक स्मूथ कर्व हमने यहाँ पर बना दिया है। देन कट द कॉलर फ्रॉम द पेपर, उन्होंने कहा है। अब ये मैंने एक नेकलाइन बना दी अपनी, मेरे को इस नेकलाइन के बिल्कुल पैरेलली 2.5 inches की इन्होंने क्या दी है, नेक लाइन बनाई है, हमारा कॉलर बनाया है, मींस 2.5 inch अंदर की तरफ हमने क्या बनाया है, अपना कॉलर। सो यहाँ पर आप 2.5 को अगर आप 1/4 पे बना रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, 1/2 पे बना रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 1/2 कर दीजिए। सो मैं यहाँ पर हाफ पे बना रही हूँ, मेरा स्केल 1/2 स्केल है, तो इसके लिए मेरे को यहाँ पर 2.5 inches है, तो 1.25 inch मुझे लेना होगा। तो मैंने अपने जो मेरी अब नेकलाइन बनाई है, मैंने डॉटेड नेकलाइन बनाई है, उससे मेरे को मेज़र करना है, उससे क्या मेज़र करना है, अपना कॉलर पार्लर, जो मेरे को कॉलर फॉर्म करना है, जो मुझे पार्लर कॉलर फॉर्म करना है, वो भी एक बार मैं डॉटेड लाइन से इसको प्रॉपरली कर्व फॉर्म कर दूंगी। देखिए बिल्कुल हमारी नेक लाइन के ये पार्लर जाएगा, आप सबसे अच्छी चीज़ है, आपको अगर ब्लेंडिंग नहीं आती तो जैसे कि मैं कर रही हूँ कि थोड़े थोड़े एरिया पे स्केल को रख रही हूँ और बिल्कुल थोड़ी एरिया को ब्लेंड करने में बिल्कुल इजी रहती है। अगर आप एक यहाँ मार्क लगाएंगे, एक यहाँ मार्क लगाएंगे और तब ब्लेंड करेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो बनता ही नहीं है प्रॉपर।
सो मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, प्रॉपर तरीके से एक पैरलर आप देख पा रहे हैं, पैरलर फॉर्म कर दिया है। पैरलर फॉर्म करने के बाद मेरा ये एरिया कितना हो गया है, 2 1 2 1/2, दैट इज़ आप 1/2 स्केल पे बना रहे हैं तो उसको 2 से डिवाइड कीजिए, 1/4 स्केल पे बना रहे हैं तो उसको आप किससे डिवाइड कीजिए, 4 से। साथ के साथ जो आप यहाँ देख रहे हैं हमारे ये पॉइंट्स थे, जो हमारा जहाँ पर ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पर हमारा कॉलर फ्रंट और बैक मिला, उन पॉइंट्स के ऊपर हम नॉच लगाएंगे, उन पॉइंट्स के ऊपर हम नॉच लगाएंगे, क्लियर। और हल्का सा यहाँ पर अपने कॉलर को वही रीशेप कर देंगे। ये हमारी फिगर सेकंड है, फिगर सेकंड के अकॉर्डिंग हमने अपना ये ड्रॉ कर लिया है। दिस इज़ आर फिगर सेकंड। सो जब मैंने अपने फिगर टू पे ये सारा कुछ बना लिया, तो उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर दे रखा है कट फ्रॉम द पेपर एंड टू द नेकलाइन ऑफ द गारमेंट अलाउ एन एक्स्ट्रा 1/16 इंच बियॉन्ड द कॉलर पॉइंट। आपका जो कॉलर पॉइंट होगा उसके नीचे से आपने यहाँ पर अपनी फिगर के अंदर देखेंगे तो उन्होंने स्मूथ कर्व दे रखा है। स्मूथ कर्व मीन्स हमारे इस एरिया से क्लियर आप इस चीज़ को बना देंगे। एंड आफ्टर दैट हमने क्या करना है, अपना ये जो हमारा कॉलर है इसको हमने कट कर लेना है फॉर आर फिगर 3। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने अपने कॉलर को यहाँ पर कट कर लिया है। अब हम अपने एक और पेपर लेंगे, उसको हम ऑन फोल्ड कर लेंगे, मींस फोल्ड कर लूँगी। और मेरे को सेंटर बैक क्या होता है, मेरा ऑन फोल्ड पे होता है, तो मैंने अपने सेंटर बैक को ऑन फोल्ड पे प्लेस किया एंड जस्ट रीड्रॉ माई कॉलर। मैं अपने कॉलर को रीड्रॉ कर लूँगी यहाँ पर। बिल्कुल डॉटेड और स्मूथ लाइंस के साथ आप अपने कॉलर को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये हमारा फिगर 3 होगा। इसके अंदर हमने क्या किया, कॉलर को ट्रेस किया सेंटर बैक की और जितनी भी हमारी नॉचेस थी, ठीक है, ये हमने देखिए हमने नॉचेस लगा रखी है। तो आपको क्या करना है, इन नॉचेस को भी लगाना है साथ के साथ, बिकॉज जब भी हम अपने फ्रंट में एडल्ट बॉडीज ब्लॉक के ऊपर भी हम क्या करते हैं, अपनी नॉचेस को फॉर्म करते हैं, अपनी नॉचेस को फॉर्म करते हैं। तो क्लियर, ये आपने यहाँ पर नॉचेस को प्लेस कर दिया है। अब हम इसको भी क्या करेंगे, ऑन फोल्ड पे ही कट कर लेंगे। सो मैं अपने जो मेरा फिगर 3 है उसको ऑन फोल्ड के ऊपर ही प्रॉपर कट कर रही हूँ, सो दैट मेरा जो कॉलर है वो सही बन पाए। सो देखिए ये मेरा कॉलर यहाँ पर प्रिपेयर है, ये मेरा यहाँ पर कॉलर प्रिपेयर है, क्लियर। तो ये आपकी क्या है, आपका आपने अपने कॉलर को यहाँ से देखिए हमने कट कर लिया है, अपने फिगर 3 के अंदर से हमने कॉलर को कट कर लिया है। इसके बाद जस्ट रीशेप के लिए जो हमारा फिगर 4 है उसके अंदर अंडर कॉलर गिवन है। अंडर कॉलर के अंदर क्या चीज़ होगा कि हमें ट्रेस करना है अपने कॉलर को फोल्ड के ऊपर, रिमूव कर देना है अपने पैटर्न को और 1/8 इंच हमें क्या करना है, उसको ट्रेस करना है, इलस्ट्रेट करना है एंड देन मार्क टू नॉचेस, दो नॉचेस मार्क करने हैं 1/4 इंच अपार्ट पे सेंटर बैक से, और नेकलाइन एज के लिए एक नॉच लगेगी। तो मींस क्या है, आपकी अल्टीमेटली जो ये वाली फिगर है इसको आप फाइनल रखिए, इसको आप अपना कंप्लीट बना लीजिए। ये आपका क्या बन जाएगा, हमारा फाइनल, ये हमारा आ जाएगा पीटर पैन कॉलर।
सो होपफुली आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने आपको एक बार इसका रिव्यू आपको दोबारा दे देते हैं। दिस इज़ माई फ्रंट एंड बैक। इन फ्रंट और बैक के स्लोपर्स लिए हमने। स्लोपर्स लेने के बाद हमने स्लोपर्स को क्या किया, ओवरलैप किया, टिप को एज इट इज़ रखा और मैंने 4 इंचज़ को ओवरलैप कर लिया। ओवरलैप करने के बाद हमने इसको क्या किया, इसके नेक लाइन को ट्रेस किया। नेक लाइन को ट्रेस करने के बाद हमने क्या किया, उसको अपना कॉलर को एज इट इज़ बना दिया। देखिए, कॉलर बनाने के बाद हमने उसको ऑन फोल्ड फैब्रिक के ऊपर, ऑन फोल्ड अपने पैटर्न के ऊपर कट कर दिया और अल्टीमेटली हमारा जो था वो पीटर पैन कॉलर रेडी हो गया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी सारी की सारी फिगर्स हैं, figure 1, figure 2 एंड फाइनल आपका पैटर्न। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो अगर आपको ये वीडियो सही लगी, समझ आई, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी क्वेरी हो तो वो भी आप हमें बताइए। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे।